हाँ एवरी वन तसानी का आज का टॉपिक है हमारा कॉमन हाउस मस्कीटोज पे क्यूलेक्स आप जिनको बोलते हैं कि दिल्ली में फिर से ये बहुत ज़्यादा रिसरफेस होने लगे हैं दिल्ली आपको पहले ही पता है आप एडीज़ की बात करें या जितने भी स्पीशीज़ हैं मस्कीटो की जिससे डेंगी होता है उसके बाद ज़िका वायरस को भी मस्कीटोज कैरी करते हैं चिकनगुनिया होता है तो डेली में ऑलरेडी मच्छरों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है फिर से रिसरफेस होने वाले हैं हो रहे हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि देखिए इस टाइम सभी लोग कोविड से बहुत डरे हुए हैं सबको ये डर है कि कोरोना ना हो जाए बाकी सब बीमारियों को तो भूल ही चुके हैं कि डेंगी भी हो सकता है चिकनगुनिया भी हो सकता है तो इसी को लेकर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है अगर आप मेरे साथ किसी भी डाउट के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर पी आपको लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और एज़ आई ऑलवेज से टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अब देखिए जैसे जैसे सीजन चेंज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो कॉमन हाउस मास्कीटो है क्यूलेक्स जिसको हम बोलते हैं वो फिर से दिल्ली में बहुत ज़्यादा फैलने लग गया है और स्पेशली रेजिडेंट्स जो हैं डिफरेंट कॉलोनीज के वेलफेयर एसोसिएशन के उन्होंने बहुत कंप्लेन की है क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके पूरे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा मच्छर जो हैं वो हो रहे हैं अब देखिए सबसे पहला रीज़न मस्किटोस का ब्रीडिंग का क्या है वार्मर टेम्परेचर्स क्योंकि ये थोड़े वार्म टेम्परेचर्स जैसे आजकल का जो मौसम है परफेक्ट टेम्परेचर है मस्किटो ब्रीडिंग के लिए तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मस्कीटोज़ ब्रीड कर रहे हैं और स्पेशली जो कुछ एरियाज़ हैं लाइक फ्लड प्लेन्स हैं जो आपके ईस्ट के या साउथ दिल्ली के वहाँ पे एकदम आइडियल कंडीशन है मस्किटो ब्रीडिंग की अभी जो क्यूलेक्स मॉस्कीटोज़ हैं ये किसके कैरियर्स माने जाते हैं जापानीज इन्सेफेलाइटिस के ये एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है हालांकि बहुत ही वायरल डिजीज़ है रेयर वायरल डिजीज़ है बहुत कम होती है लेकिन अगर हो जाए तो एकदम लाइफ थ्रेटनिंग है इससे एक्यूट इन्फ्लेमेशन आपके ब्रेन का हो जाता है और देखिए जो क्यूलेक्स मस्कीटोज़ हैं कॉमन मस्कीटोज़ ये डर्टी और स्टैगनेंट वाटर स्टैगनेंट हो गया रुका हुआ पानी वहाँ पे ब्रीड करते हैं और ये कितना फ्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ वन टू वन पॉइंट फाइव किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं जैसे आपने देखा है एडीज़ एजिप्टी मस्कीटो है जिससे डेंगी होता है या चिकनगुनिया होता है ये क्लीन वाटर में ब्रीड करते हैं साफ़ पानी में ब्रीडिंग होती है लेकिन ये जो क्यूलिक्स मस्किटोज हैं ये अनक्लीन डर्टी वाटर पे ब्रीड करते हैं अब देखिए न्यू डेली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो आपका एन का एरिया है यहाँ पर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट्स ब्रीडिंग के क्यूलिक्स मस्कीटोज के क्या हैं कुशक ड्रेन और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं एंड कुशक ड्रेन के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं बापा नगर भारती नगर यहाँ पे बहुत मच्छर ब्रीड कर रहे हैं कॉमन मस्कीटोज उसके बाद ईस्ट दिल्ली भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है किस वजह से यमुना फ्लड प्लेन जो है उस एरिया में और साउथ बाय बारापुला ड्रेन एंड नॉर्थ बाय नजफ़गढ़ ड्रेन ये अब ड्रेन्स के नाम याद रखिए बारापुला ड्रेन नजफ़गढ़ ड्रेन तो इस वजह से इनके आसपास के जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग मास्कीटोज़ की हो रही है और ये जो ड्रेन्स हैं स्पेशली इन पर बहुत ज़्यादा इन एरियाज़ में मस्कीटोज ब्रीड कर रहे हैं अब देखिए वेदर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है आजकल का जो मौसम है गर्मियाँ आ रही हैं समझ शुरू हो रहे हैं पानी कम हो रहा है पानी रिसीट करेगा तो कहीं जगह जो फ्लड प्लेन वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे डिप्रेशन गड्ढे बन जाएंगे कुछ पानी वहाँ पे रुक जाएगा और वाटर वहाँ पे अगर रुक जाएगा ड्राई नहीं होगा हॉट वेदर में भी तो क्योंकि हॉट वेदर में यूजली कई बार क्या होता है कि वाटर टेबल जो होता है वो काफ़ी हाई रहता है तो वाटर वहाँ पे ड्राई नहीं हो पाता तो इस तरह के एरियाज़ एकदम आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं कॉमन मस्कीटो को ब्रीड करने के लिए और टेम्परेचर डेफिनेशन डेफिनेटली आइडियल है इस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया तो आइडियल कंडीशन मस्कीटोज की अगर हम बात करें कितने टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग रहती है तो टेन डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर देखेंगे मस्कीटो ब्रीडिंग के लिए एकदम आइडियल टेम्परेचर है और इनफैक्ट इस टाइम पे एंटी मस्कीटो ड्राइव्स भी चल रही होती हैं लेकिन वो भी ख़ास असर नहीं करती यूजुअली करती हैं बट अभी देखो लास्ट टाइम आपका पैंडमिक रहा है पैंडेमिक की वजह से इस तरह के रीज़न रहे कि हम कोविड की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लोग भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो बाकी चीज़ों को भूल चुके हैं अभी जैसे जो मुंसिपल कॉरपोरेशनस हैं डेली की सॉथ सॉ साउथ डेली कॉरपोरेशन नॉर्थ डेली कॉरपोरेशन तो ये मस्कीटोज को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं लार्विसाइडल ऑयल कोटेड ब्लॉक्स इन मेजर ड्रेन्स तो यानी लार्विसाइडल जिससे मस्कीटो है उसका लार्वा मर जाए ईसा का ऑयल कोटेड ब्लॉक्स जो हैं वो मेजर ड्रेन में वहाँ पर डाल रहे हैं उनका लेयर क्रिएट कर रहे हैं सरफेस पर लॉन्ग एक्टिव इंसेक्टीसाइड जो हैं लॉन्ग एक्टिंग और इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं जिससे मस्कीटोज पैरालाइज हो जाते हैं और जैसे मैंने आपको बताया क्यूलिक्स डर्टी वाटर में ब्रीड करता है या स्टॉन्ग वाटर में ड्यूरिंग मार्च अप्रैल ईच ईयर तो इस टाइम वही टाइम चल रहा है मार्च आपका एंड हो आप रहा है अप्रैल शुरू हो गया है आज से अब इस मस्कीटो ब्रीडिंग को अडॉप्ट दूर करने के लिए एंटी मस्कीटो ड्राइव में एक नया मेथड अडॉप्ट किया है जहाँ पे बैरल्स डाले जा रहे हैं और इन बैरल्स में क्या है एंटी लार्वल मेडिसिन और इनको ड्रेन के नीचे इनसाइड द ड्रेन डाला जा रहा है अंडरग्राउंड फॉगिंग की जा रही है क्योंकि अंडरग्राउंड फॉगिंग से क्या होगा लोगों को भी इफेक्ट नहीं होगा और जो हमारा एक्चुअली काम है कि मच्छर को मारना है मस्किटोज को दूर करना है वो पूरा होगा तो इस तरह के स्प्रेज मेडिसिन भी यूज किए जा रहे हैं जो कि डायरेक्टली ये जो ड्रेन हैं ये जो नालियां हैं इनके अंदर डाला जा रहा है एज अ प्रिवेंटिव मेजर लेकिन फिर भी देखिए अगर हम बोलेंगे कि एन सी अगर इतना सब काम कर रही है लार्वासाइडल यूज़ कर रही है इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रही है अंडरग्राउंड फॉगिंग कर रही है तो भी ये मास्कीटो ऑपरेशन के बाद भी इतना ज़्यादा ब्रीडिंग कैसे हो रहा है बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जितना भी वर्क फोर्स है वो फ़िलहाल किसी और काम में बिजी है जैसे कि मार्च का महीना चल रहा है तो टैक्स कलेक्शन हो गया हाउस सर्वेज आपके चल रहे हैं और ये जो पूरा स्टाफ है ओपन डेफिकेशन तो नहीं हो रहा कहीं उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं इसके बाद जो हमारे डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स हैं डी के एम्प्लॉयज़ हैं लास्ट दो महीनों से वो भी ओपन डेफिकेशन मोनिटर कर रहे हैं लोगों के घरों में टैक्स सर्वेस कर रहे हैं डोर टू डोर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैं, हैं तो बिजी हैं और लास्ट ईयर पैंडमिक था तो सब लोग कोरोना ड्यूटीज कोविड ड्यूटीज में लगे हुए थे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा में बताया जा रहा है कि अराउंड थर्टी फाइव एम्प्लॉयड इन थ्री एमसीडीज़ यानी 3500 जो एम्प्लॉयज हैं वो तीनों एम नॉर्थ साउथ और ईस्ट जो दिल्ली की हैं वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं जो पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं कि इस तरह के वेक्टर वैक्टरबॉन्ड डिजीजेस कैपिटल में ना हो लास्ट कुछ ईयर से ये लोग काम कर रहे हैं तो इन सब को भी कहीं और ड्यूटीज़ में लगा रखा है और यूजुअल डे की अगर बात करें तो देखिए जो थर्टी फाइव हंड्रेड हैं जो एम्प्लॉयड हैं तीन एम में ये अराउंड सिक्सटी टू सेवेंटी हाउसेज़ विजिट करते हैं क्योंकि हाउसेज़ में क्या रहता है कूलर्स लोग गर्मियाँ शुरू होती हैं तो कूलर्स लगाते हैं लोगों के घर पर टैंक्स रहते हैं फ्लावर पार्ट्स रहते हैं जहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड रहता है मच्छर के लिए तो लोगों को अवेयर करते हैं और जो भी फॉगिंग होती है वो इस तरह के टास्क कंप्लीट करते हैं अब ये डेटा दिखाता है कि नंबर ऑफ हाउस विजिट्स बाय डीबीसी जो है वो ओवर द इयर्स थोड़ा डिक्लाइन हुआ है कम हुआ है जैसे 44 लाख ,00 इन 2018 इतने घर विज़िट किए थे 45 लाख ,00 इन 2019 और 2020 में सिर्फ 19 लाख ,00 तो ऑब्वियसली 2020 का रीज़न पैंडमिक को यहाँ पे रीज़न रह सकता है और ट्वेंटी लाख दिस ईयर ऑल फिगर्स फ्रॉम जनवरी फर्स्ट टिल द सेकेंड वीक ऑफ मार्च इसमें ट्वेंटी वन लाख घर जो है अभी तक विजिट कर चुके हैं अभी जो फिगर्स 2020 के हैं डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि पैंडमिक एक रीज़न है और उसके बाद जो वर्क फोर्स है वो डाइवर्ट कर दिया है जगहों को घरों को एरियाज़ को डिसइनफेक्ट करने के लिए कोविड रिलेटेड ड्यूटीज सब लोग लास्ट ईयर कर रहे थे तो अभी हमने अभी तक जो डिस्कस किया कि जैसे टॉपिक था कि क्यूलिक्स मस्कीटो जो कॉमन मस्कीटो है वो फिर से ब्रीड कर रहा है तो उसके क्या रीजंस हैं इसका क्या टेम्परेचर रहता है आइडियल टेम्परेचर Uh, जैसे मैंने आपको बताया 10 टेन टू फोर्टी डिग्रीज और फिलहाल इतना सब एंटी मस्कीटो ड्राइव होने के बावजूद भी क्यों रिसरफेस हो रहा है तो वो भी बताया कि ऑब्वियसली कोविड यहाँ पे एक मेजर रीज़न है कि डाइवर्ट हो रखे हैं एम्प्लॉयज तो एक वो रीज़न है अब यहाँ पे मैं बताऊँगी कि दिल्ली में ये मास्कीटोज़ के लेके हम हमेशा इतना डिस्कस क्यों करते हैं बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं तो दो तीन जो रीजंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी जो डेंजर्स हैं जैसे ज़िका वायरस ज़िका वायरस एक मस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस है जिसको पहली बार युगांडा में आइडेंटिफाई किया गया था और बाद में ये ह्यूमंस में भी आइडेंटिफाई किया गया 1952 में 1947 में युगांडा में किया था और एनिमल्स में और ह्यूमंस में नाइनटीन टू में अब जो ज़िका वायरस है ये मेनली एडीज मस्कीटो जो है उससे फैलता है और इनफैक्ट प्रेगनेंट वुमेन जो है उससे ये फीटस को भी पास ऑन हो सकता है ट्रांसमिट कौन करता है इसको एडीज मस्किटो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड भी होता है ज़िका वायरस अब इसकी कोई वैक्सीन नहीं है कुछ ऐसे खास मेडिसिन भी नहीं है तो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स ही हैं हमारे पास उसके बाद डेंगू की बात करें तो इसको बहुत सारे स्पीशीज़ हैं मस्कीटो के इवन कि एडीज़ भी इसको ट्रांसमिट करता है सिम्टम्स रहते हैं फीवर होगा हेडेक होगा और डेंगू से आप देखते हैं कई बार लोगों की जान भी जाती है अगर ज़्यादा प्लेटलेट काउंट गिर जाता है तो वैक्सीन डेंगा वैक्सिया फर्स्ट डेंगी वैक्सीन है लेकिन इंडिया ड्रग कंट्रोलर ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया है तो इंडिया में अगर हम देखेंगे सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड टेन केसेज थे 2019 में जून 9 तक और सिक्स डेथ्स भी डेंगी से हुई थी उसके बाद चिकन के बारे में आपने सुना होगा ये भी मस्कीटो वायरस है इसको कौन ट्रांसमिट करता है गेन एड एजिप्टी एंड एडिज़ एल्बोपिक्टस जो मस्कीटोज हैं ये इसको ट्रांसमिट करते हैं इसके सिम्टम्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं फीवर जॉइंट पेन हेड एक इसका भी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है चिकनगुनिया का और ना ही कोई कमर्शियल वैक्सीन है तो अभी तक हमने देखा कि क्यूलेक्स से मैंने आपको बताया कौन सी बीमारी होती है जैपनिस एंसिफलाइटिस रेयर वायरल डिजीज़ है बट क्यूलिस क्यूलैक्स मस्कीटो जो है इसको ट्रांसमिट करता है तो बाकी आप याद रखिए ज़िका चिकनगुनिया और डेंगी ये आपको प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्पीशीज़ इसको ट्रांसमिट करता है क्यूलिक्स से कौन सी बीमारी होती है तो ये सब आपको पता होना चाहिए तो यही था आज का डिस्कशन आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज के लिए हमारी साइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ईएमआई भी अवेलेबल है सारी जानकारी आपको साइट पर मिल जाएगी और मेरे पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच